नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गाजियाबाद के आबकारी विभाग में तैनात एक इंस्पेक्टर और सिपाही में पैसे बंटवारे को लेकर हिंसा हुई। इसी मामले में कबीरनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। खास बात यह है कि पुलिस ने सिपाही की तहरीर पर FRI दर्ज की है, जबकि इंस्पेक्टर की तहरीर पर सिर्फ NCR। अकेला काम नहीं कर पाऊंगा। आपको पीटा है, आपके द्वारा भी मारपीट की गई है? मेरे द्वारा कोई मारपीट नहीं की गई है। अच्छा, मेरे द्वारा कोई मारपीट नहीं की गई है। ठीक है सर, कल एक विवाद हो गया था निरीक्षक साहब व सिपाही में, उसके बाद में कार्रवाई आप लोगों की तरफ से क्या कार्रवाई हुई है? क्योंकि जो भी घटना हुई थी आप उसमें खुद चश्मदीद गवाह हैं और यहाँ पर मौके पे थे जब यहाँ पर आप ही के सामने दोनों पक्ष एक दूसरे से लड़ रहे थे। वास्तव में काम में लापरवाही और काम न करना पड़े ये उद्देश्य था सिपाही का, और उसमें वो विवाद कर रहा था। मैंने बुलाकर उसे पूछा कि क्यों अनर्गल दबाव बना रहे हैं, तो उसने कहा कि अभी तो और बनवाऊंगा, फिर यहां से चला गया। उसके बाद इंस्पेक्टर साहब उसके खिलाफ कुछ रिपोर्ट बना रहे थे, फिर थोड़ी देर बाद आया, वही रिपोर्ट बना रहे थे, तो उसने कहा कि साहब हमको सस्पेंड ना करो, हमको टर्मिनेट करा दो, चाहे गोली मार दो, मैं आपको भी दुनिया से टर्मिनेट करा दूंगा। इसके बाद उन पर प्रहार किया उसने और इंस्पेक्टर के चेहरे पर नाक पर चोट लग गई जिससे ब्लीडिंग होने लगी। तत्पश्चात और स्टाफ को बुला करके जल्दी से सबको अलग कराया गया, स्टाफ अलग किया, उसमें सिपाही भागने लगा तो उसे दूसरे कमरे में रखा गया जहां उसने ट्यूबलाइट से अपने को चोटिल कर लिया। और उसके बाद इंस्पेक्टर साहब ने फोन पर कबीरनगर पुलिस को सूचना दी, कबीरनगर थाने से पुलिस के ऑफिसर्स आए और उन्होंने दोनों लोगों को ले जाने के लिए कार्रवाई कर रहे थे। इसके पहले ही उसके परिजन भी कुछ आ गए थे, उन्होंने भी शोर शराबा हंगामा शुरू किया। तत्पश्चात उन्होंने सबको शांत कराया कबीरनगर थाने ने, इसके पश्चात वो यहां से ले गया, दोनों लोगों ने तहरीर दी उसमें पुलिस ने। सर पहली बार ऐसा देखने को मिला है, वो भी आबकारी विभाग में, जहां पे एक सिपाही अपने अधिकारियों के सामने लड़ाई करता है, तो ऐसे में उनके ऊपर कार्रवाई क्या हुई और आपने क्या रिपोर्ट आगे भेजी है? कार्रवाई अनुशासनहीनता और काम न करने के लिए, लापरवाही करने के लिए और काम न करना पड़े इस बहानेबाजी के लिए, अनर्गल दबाव बनाने के लिए उच्च अधिकारी को रिपोर्ट प्रेषित की गई थी, जिसमें आबकारी सिपाही को नियुक्त प्राधिकारी द्वारा निलंबित। सर दोनों तरफ से FIR दर्ज कराई है, किसका मुकदमा दर्ज हुआ है? संदीप कुमार और सुरेश कुमार दोनों लोगों ने FIR दर्ज कराई है। सुरेश कुमार की तरफ से ज्ञात हुआ है कि पुलिस ने प्राथमिकी के बजाय NCR दर्ज की है और संदीप कुमार की तरफ से FIR दर्ज। सर इसमें एक चीज हो रही थी, कुछ पैसों के बंटवारे को लेकर विवाद सामने आ रहा था, ये चीजें वायरल भी हो रही थी। बिल्कुल कोई पैसे की बात ही नहीं थी, यहाँ कहीं कोई पैसे का मामला ही नहीं था, काम ना करना पड़े केवल। सर ये जो सिपाही है उसने ऑन कैमरे पे कहा कि ठेके है शराब के, जो उनसे जो आपके अधिकारी है आबकारी के सुरेश जी, वो उनसे 20 से 25 हजार रूपए उगाही कराते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है सर? ऐसी कोई बात नहीं, कहीं कोई सच्चाई नहीं है, ऐसी कोई सूचना। अब जांच कौन कर रहा है सर इसकी? ADM FIR साहब कर रहे हैं।